स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने बैक को लेकर, कि कमर में बहुत दर्द रहता है, राइट? एंड एज पर WHO ऑल्सो 60-70% ऑफ द पीपल यू नो फेस बैक इश्यूज एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ. तो हम अपने बैक को जो है कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज. सो टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर बैक मसल्स, जिसके लिए जो है मैं आपको 5-6 एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि हाउ यू कैन यू नो डू इट विदाउट एनी इक्विपमेंट. आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी बॉडी ही यूज करनी है एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर बैक पेन. आपकी बैक पेन जो है थोड़ा कम होने लग जाएगा, इम्प्रूवमेंट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी. And you will be, you know, strengthening your back muscles with these 5-6 exercises. ठीक है, तो पहले जो है आपको स्टार्ट करना है वार्म अप से, अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करना है. आई एम नॉट गोइंग टू डू वार्म अप नाउ, इसके लिए आप रेफर कर सकते हो मेरी पुरानी वीडियोज ऑफ वार्म अप एंड द फर्स्ट. ठीक है, और उसके बाद जो है वार्म अप जब आपने कर लिया है, आपने अपनी बॉडी को मोबिलाइज कर लिया है, अपनी मसल्स आपने वार्म कर लिया है, उसके बाद जो फर्स्ट मूवमेंट आपकी रहेगी इज योर रिवर्स प्लैंक. रिवर्स प्लैंक में आपको क्या करना है, आपकी जो हैंड्स हैं आर नियर योर हील्स. ओके, आप जो है हम धीरे धीरे अपनी लेग्स को स्प्रेड करेंगे एंड वी आर कमिंग ऑन आवर हील्स एंड आवर आर्म्स आर जस्ट बिलो द शोल्डर एंड वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर कोर इज टाइट. आपका जो पेट है वो एंगेज है और आपका जो वेट है वो आपके आर्म्स के ऊपर आया हुआ है. आपका अपर बैक एंगेज है और आपका जो है कोर भी इंगेज है. ठीक है, इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर नॉट डूइंग रेगुलर विद द एक्सरसाइजेस, तो आप 10 सेकंड होल्ड करके रखो. बट इफ यू हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर क्वाइट सम टाइम, यू कैन होल्ड इट फॉर 30-40 सेकंड्स. सो ये आपने अपनी बॉडी जो है लिफ्टेड रखनी है, राइट? सो दिस इज योर रिवर्स प्लैंक. स्टे देयर एंड देन स्लोली ड्रॉप एंड रिलैक्स. ओके, तो ये आपकी जो है पहली मूवमेंट है जो वर्क करेगी आपके शोल्डर्स के ऊपर, आपके बैक के ऊपर एंड आपके कोर के ऊपर. आपका कोर भी पूरा एंगेज है. सो वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स. सेकेंड मूवमेंट जो आप कर सकते हो वो रहेगा आपका साइड प्लैंक. साइड प्लैंक आप कैसे कर सकते हो, साइड प्लैंक कैन बी अगेन हैंड प्लैंक और फोर आर्म प्लैंक. आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो. सो साइड प्लैंक, योर एल्बो इज बिलो योर शोल्डर and you are lifting your torso up. So this is your side plank. Stay straight. Ek line mein aap jo hai khade. So it will again strengthen your core and strengthen your back. It's an amazing movement for your back muscles. So you have the shoulder. You can take it as a full body movement as well. Because your whole body is engaged. So again, if you are a new person, hold it for 10 seconds. If you are old, stretch it for 30 seconds or 20 seconds on each side. ठीक है, आप side change कर सकते हैं. And drop slowly and relax. So ये आपकी हो गई second movement for strengthening your back muscles. आपकी जो third movement है वो रहेगा Superman. Superman कैसे होता था? Right? So हम जो है Superman mat पे ठहरेंगे. On your stomach. So lie on your stomach. Your arms stretch out. Your feet are stretched out. और अब जो है हम lift करेंगे अपने हाथ और पैर दोनों इकट्ठे. हमारी जो neck है वो neutral है and I'm looking at the wall. Okay? So this is the position and I will be lifting my arms and hands up and drop. Again lifting legs and arms together up, look forward and then drop, up and slowly drop. तो ये भी जो है आप movement repeat करोगे for 10 to 30 seconds. So it will give a good pressure on your core and as well as on your lower back. So it's an amazing exercise. ये आपको जो है back pain से रिलीव दिलाए. इट्स सच अ अमेजिंग मूवमेंट. फोर्थ मूवमेंट जो आप कर सकते हो वो रहेगा आपका ग्लूट ब्रिज. ग्लूट ब्रिज जो है स्पेसिफिकली आपके बट्स के लिए है बट आपके लोअर बैक के लिए भी इट्स एन अमेजिंग मूवमेंट. आई शो यू द ग्लूट ब्रिज अगेन ऑन द मैट. आर्म्स ऑन योर साइड, योर नीज आर बेंड. अब हम लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को ऊपर. अगेन वन स्ट्रेट लाइन
right? Your glutes are squeezed, your stomach is flat, and stay there for some time. ठीक है, आप धीरे धीरे ड्रॉप भी कर सकते हो इफ यू गेट टायर्ड, एंड देन अगेन लिफ्ट अप. सो इट्स अगेन अ वंडरफुल मूवमेंट फॉर योर बैक एंड फॉर योर ग्लूट्स. तो ये आपके ग्लूटियल मसल्स आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट है. ग्लूट ब्रिज एंड देन अगेन ड्रॉप. जितना देर आप ऊपर रख सकते हो otherwise you drop and then again lift it back. So ये रही आपकी fourth movement glute bridge. Next movement जो आप कर सकते हो अपने strong back के लिए वो रहेंगे आपके rows, body weight rows. अब वो क्या है, आप या तो कुछ handle पकड़ सकते हो, rod हो आपके पास वो भी पकड़ सकते हो, without rod भी आप कर सकते हो. Your knees are soft, your knees are hip width apart, okay, and push your hips little back. Your knees are soft and bent. और अब हम करेंगे rows. आपको row, yeah? Down and then up. आपकी जो arms है वो close to your body है, ठीक है? And down, and up, and up, and up, and up. तो आपके यहाँ पे shoulder blades भी squeeze हो रहे हैं, okay? So this is an amazing movement for your back. And up. Again, 10 to 30 seconds आप कर सकते हो. आपकी जो back है वो neutral है, कोई pressure नहीं है back पे. And this is your pose. तो ये आपकी हो गई fifth movement. Last movement जो आप कर सकते हो अपनी strong back के लिए वो है crab walk. ठीक है, केकड़ा. So that we can do. How we can do is come on a tabletop position. आप टेबल टॉप पोजीशन पे हो गए एंड स्टार्ट वॉकिंग. आप हाथ और पैर से वॉक कर रहे हो, पीछे की तरफ कर सकते हो. स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना स्पेस अवेलेबल है, आप उस हिसाब से अपनी लॉन में, पार्क में, वेयर एवर यू आर यू कैन वॉक. सो दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग मूवमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बैक मसल्स. डू इट फॉर 10 टू 30 सेकेंड्स एंड रीप द बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बैक. Yeah, I hope this video will help you in making your back muscles strong and making you strong and developing those muscles in our upper body as well as our lower body by doing body weight workout. So, and don't forget to do the cool down. Aur cool down ke liye aap meri dusri video refer kar sakte ho, which is there. Okay, so if you like this video, give a big thumbs up to it and subscribe my channel. Thank you.